हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन एंड वेल। ये जो डायलॉग है ये तो हमेशा मैंने अभी लर्न कर लिया है कि जब भी आओ तो पूछने में काफ़ी आसानी हो जाती क्या सब खैरियत तो है। ठीक है, तो आज के आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे विशेषण। विशेषण का जो एक टाइप है ग्रामर में, तो विशेषण को आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो विशेषण ये जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग को काफ़ी अच्छे से पता होना है। जब हमें कोई पूछता है विशेषण के बारे में, सो वी नो द एग्जाम्पल्स वेरी वेल, लेकिन जब वही सवाल जब हमारे क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं तो हमें डिफिकल्ट हो जाता है उसके आंसर्स को देना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग विशेषण को देखेंगे, काफ़ी डीपली देखेंगे, उसके टाइप्स भी देखेंगे, एग्जैक्टली उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, विदाउट टाइम वेस्टिंग विल स्टार्ट विद द विशेषण। ठीक है, सो आई एम शुभम या योर हिंदी मेंटर, विल स्टार्ट विद द विशेषण। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, वो डायलॉग है वहाँ पर अमिताभ बच्चन का। ठीक है, कि नाम तो सुना ही होगा, विजय दीनानाथ चौहान, तो वैसे ही विशेषण का होता है, विशेषण का भी उतना ही ज्यादा होता है। तो विशेषण की कॉन्सेप्ट हम लोग को अच्छे से पता है। ठीक है, तो लेकिन विशेषण स्टार्ट करने से पहले हमें एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, वो है संज्ञा, वो है नाउन। ठीक है, तो नाउन की कॉन्सेप्ट क्यों समझनी जरूरी है? बिकॉज विशेषण जो होता है, वो जो एडजेक्टिव है, वो डायरेक्टली रिलेटेड है नाउन के साथ, संज्ञा के साथ। ठीक है, तो संज्ञा जो है वो हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि जब किसी ने भी पूछा कि भाई बता संज्ञा क्या है, तो संज्ञा हम लोग डायरेक्टली बोल देते कि नेम प्लेस एनिमल थिंग एंड एक्सेट्रा, बस दैट्स इट, उसके आगे हमें कुछ पता नहीं होता। ये चार चीजें हम लोग ने बता दी, हो गया। लेकिन संज्ञा एग्जैक्टली क्या होता है? संज्ञा इज वॉट? इट इज जस्ट एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ समथिंग। ठीक है, तो उसमें किसी का भी आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, लाइक वहां पे कोई भी एनिमल हो गया या फिर कोई ह्यूमन बींग हो गया, कुछ भी हो सकता है, जिस किसी से भी, सिटी भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, जिस किसी से भी किसी का आइडेंटिफिकेशन होता है उस वर्ड को ही हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल्स लेते हैं संज्ञा के। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है राम। ठीक है, ये एक इंसान का एग्जाम्पल है। फिर मैंने लिया है अतुल, ये क्या लिया है? अतुल। ठीक है, तो ये सारे इंसानों के नाम है, यानी कि इस नाम से जिस पर्सन को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस। ठीक है, तो ये जो पर्सन है इसका आइडेंटिफिकेशन, ठीक से सुना, इसका आइडेंटिफिकेशन इसी से होता है, इस वर्ड से होता है, यानी इस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन इस वर्ड से हो रहा है, तो ये वर्ड क्या बन गया? संज्ञा। ये वर्ड क्या बन गया? संज्ञा। ठीक है, तो ज्यादा फोकस मत करना हैंडराइटिंग में। ठीक है, बिकॉज वो इतना ज्यादा मुझे अच्छे से लिखना आता नहीं, हैंडराइटिंग मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और ये इंसान पे भी ज्यादा फोकस मत करना बिकॉज ड्रॉइंग इज नॉट गुड। ठीक है, सो एवरीथिंग आई हैव प्रॉब्लम, नो इशू। लेकिन अभी ये जो है अतुल, अतुल एक नाउन है, तो यहाँ पे भी मैंने अतुल को बना लिया। ठीक है, प्रैक्टिकली बना नहीं कैसा दिखता, मैंने बना तो लिया, तो ये अतुल है। अभी अतुल का जो आइडेंटिफिकेशन, इस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन इस वर्ड से हो रहा है। ठीक है, इस पर्सन का आइडेंटिफिकेशन इस वर्ड से हो रहा है, तो इसके लिए ये भी क्या बन गया? ये क्या बन गया? संज्ञा। ठीक है, यानी कि संज्ञा समझा, जिस किसी भी स्थान हो सकता है। यहाँ पे और भी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, प्लेस का लिखते हैं और इजीली समझने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं मुंबई। ठीक है, मुंबई मैंने लिया। अभी मुंबई का जो आइडेंटिफिकेशन है, ये समझो हमारी मुंबई एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, वो मैप तो थोड़ा अलग है, ये मैंने ऐसे बना लिया, तो ये मुंबई है। ठीक है, अभी इसका आइडेंटिफिकेशन इस वर्ड से हो रहा है, दिस वर्ड। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन इसकी वजह से, इसका जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस वर्ड से हो रहा है, तो ये वर्ड हमारे लिए क्या बन गया? संज्ञा। ये वर्ड हमारे लिए क्या बन गया? संज्ञा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है यहां पे, ये हमारे लिए क्या बन गया? संज्ञा। तो ऐसे ही होता है, जिस किसी भी वर्ड से किसी का आइडेंटिफिकेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, दैट्स इट। अभी देखो इसमें क्या होता है ना कि संज्ञा के है ना और भी काफी सारे टाइप्स होते हैं। ठीक
ठीक है, संज्ञा के सबटाइप्स बहुत होते हैं, लेकिन अभी हम लोग को विशेषण समझने के लिए सिर्फ हमें संज्ञा समझना बहुत जरूरी है। और संज्ञा का जो डिटेल वीडियो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो वो आप लोग जाके देख सकते हो। काफ़ी डीपली उसमें बताया कि संज्ञा के टाइप्स कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स टाइप्स में आते हैं। तो अभी हम लोग विशेषण देखेंगे। अभी विशेषण का रिलेशन कैसे होता है ना, अरे ये तो मैच हो गया, विशेषण रिलेशन। ओह, विशेषण का संज्ञा के साथ कैसे रिलेशन होता है वो देखते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ, दिस वर्ड इज आई थिंक मोस्ट ब्यूटीफुल, अच्छा लिख रहा है। तो ये विशेषण हो गया। अभी जैसे मैं लिखता हूं, मैंने जो पहला एग्जाम्पल लिया था राम का, जो एग्जाम्पल लिया था वही मैं अभी लेता हूं, ठीक है। राम राम अच्छा लड़का है, ठीक है, हम लोग एज्यूम करते हैं कि राम अच्छा लड़का है। नाउ हियर राम क्या है, नाउन है, संज्ञा है, जो मैंने कहा कि यहां पे ये कोई तो पर्सन है जिसका आइडेंटिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो ये पर्सन है। नाउ जब विशेषण की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले वो समझते हैं विशेषण की डेफिनेशन। मैंने डायरेक्टली स्टार्ट कर दिया। विशेषण मतलब क्या होता है कि जो वर्ड नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। दैट्स इट, एकदम सिंपल है। डिफाइन लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिमाग में डालो, काफी इजी एंड काफी सिंपल है। मैंने क्या बोला, द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, जो शब्द हमें संज्ञा के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। दैट्स इट, ठीक है, ये डिफाइन हो गया। लर्न करने की जरूरत नहीं, पूरा पूरा का पूरा फोकस करना है कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे कोई भी चीजें तुम लोगों को लर्न नहीं करनी है, मैं पहले ही बता देता हूँ, ठीक है। इस वीडियो में कोई भी चीजें लर्न करने की कोशिश मत करो, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो और टाइप्स को समझो, ठीक है। तो ये राम हो गया, नाउन हो गया। नाउ आई एम सेइंग कि राम कैसा है, राम अच्छा है, ठीक है। राम कैसा है, राम अच्छा है, लेकिन राम के बारे में डिस्क्राइब कौन सा वर्ड कर रहा है, विच वर्ड इज डिस्क्राइबिंग अबाउट द नाउन, ठीक है। तो कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, अच्छा, यानी हमारे डिफाइन में बैठ रहा है। मैंने क्या बोला, द वर्ड विच गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन, जो शब्द, ये वाला शब्द, जो शब्द नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, नाउन के बारे में यानी इसके बारे में, जो शब्द नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कैसा, ठीक है। कैसा एक हम लोग सवाल लिखते हैं, कैसा, तो ये हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, ये हमारे लिए बन गया विशेषण। इज इट क्लियर, ये हमारे लिए क्या बन गया, विशेषण, कि जो वर्ड नाउन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। दैट्स इट, ये एक ही चीज है जो हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद जितने भी टाइप्स है विशेषण के, वो सारे टाइप्स आपको इजीली समझ में आएंगे 108%, ठीक है। तो अभी विशेषण के टाइप्स देखते हैं हम लोग, क्या है विशेषण का कॉन्सेप्ट, आप लोगों को समझा, इट्स वेरी इजी। सिर्फ फिलहाल के लिए एक एग्जांपल माइंड में रखो और माइंड में कुछ क्रिएट ही नहीं करना। ये एग्जांपल ऐसा मैंने देखा था, ये एग्जांपल मैंने सुना था, इसमें ये डाउट है, उसमें वो डाउट है, जस्ट लेट इट बी। अब सिर्फ ये एग्जांपल को सामने रखो और हम लोग टाइप्स को सॉल्व करते, देखो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके, विशेषण का समझा हमें कि किस तरीके से। वैसे ही अगर मैं बोलता हूं कि मुंबई बड़ा शहर है, तो मुंबई यहां पे नाउन है, मुंबई यहां पे नाउन है, और बड़ा उसकी विशेषता है, कैसा शहर है, बड़ा शहर है, तो वो उसकी उसकी क्या बन गई, विशेषता बन गया, यानी कि बड़ा जो हो गया वो क्या हो गया, विशेषण हो गया, वो उसका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया, मुंबई का वो क्या बन गया, एडजेक्टिव, ठीक है। तो वैसे ही अगर हम लोग बोलते हैं कि फूल सुंदर है, फूल
ठीक है, फ्लावर जिसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में फ्लावर, तो वो जो फ्लावर है वो कैसे है, सुंदर, यानी कि वो फूल को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, सुंदर। सुंदर उसकी क्या बन गई, विशेषता, वो उसकी क्या बन गई, विशेषता, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, सो दिस आर द स्मॉल एग्जाम्पल्स। और अभी हम लोग टाइप्स में देखते हैं कि एग्जैक्टली टाइप्स में क्या आएगा। तो सबसे पहला जो टाइप्स होता है विशेषण में वो होता है गुणवाचक विशेषण। वो होता है गुणवाचक विशेषण। अभी गुणवाचक विशेषण मतलब क्या, देखो टाइप्स में ही है ना इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये जो टाइप का नाउन है इसी के अंदर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिकॉज टाइप में ही दिया है। गुणवाचक विशेषण मतलब क्या, कि जो वर्ड नाउन के बारे में या फिर नाउन के हमें गुण बताता हो, नाउन के हमें गुण बताता हो, वो बन गए गुणवाचक विशेषण। दैट्स इट। आई थिंक मुझे लगता है इससे बहुत बड़ा ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि गुणवाचक मतलब क्या, कि जो नाउन का हमें गुण बताता है। गुण मतलब क्या हो गई, ठीक है, इन इंग्लिश वी से इट्स एन क्वालिटी, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वालिटी, जो हमें क्वालिटी के बारे में बताता है, नाउन की क्वालिटी के बारे में। अभी जो हम लोग ने पहले एग्जाम्पल्स लिए, जैसे मैंने कहा था कि राम अच्छा लड़का है, नाउ राम नाउन हो गया, अच्छा कैसा है वो अच्छा है, तो अच्छा उसकी क्या बन गई, अच्छा उसकी विशेषता बन गई, यानी कि वो उसका गुण है, अच्छा होना उसकी क्वालिटी है, तो इसके लिए वो क्या बन गया, गुणवाचक विशेषण बन गया। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि मुंबई बड़ा शहर है, ठीक है, तो मुंबई नाउन है, लेकिन वो कैसा है, बड़ा, तो वो उसकी क्या बन गई, क्वालिटी, वो उसका गुण बन गया। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे किसमें आ गए, गुणवाचक विशेषण में आ गए। ठीक है, सेंस समझ रहे हैं कि गुणवाचक विशेषण को हमें आइडेंटिफाई कैसे करना है। हमेशा बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, सेंस को ध्यान में रखो कि एग्जैक्टली मुझे क्या वहां पे आइडेंटिफाई करना है और क्यों आइडेंटिफाई करना है, उसका रिलेशन क्या है नाउन के साथ में। ठीक है, ग्रामर की सारी चीजें नाउन के साथ स्टार्ट होते हैं, तो नाउन का और विशेषण का रिलेशन क्या है, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या बोला, गुणवाचक विशेषण, यानी कि जो शब्द उस नाउन का गुण बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, जैसे मैंने कहा था कि फूल सुंदर है, तो फूल क्या हो गया, फूल नाउन हो गया, लेकिन वो कैसा है, सुंदर है, तो सुंदर उसकी क्या बन गई, विशेषता बन गई। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये बेसिक समझ में आया होगा। ठीक है, विशेषण का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा, बिकॉज ये समझना बहुत जरूरी है। कोई कोई स्टूडेंट्स 9th, 10th तक आ जाते हैं, लेकिन ये जो बेसिक्स हैं यही उन लोगों को क्लियर नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए मैं इस टॉपिक पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें आप लोगों को और इजीली समझ में आए। ठीक है, तो ये गुणवाचक विशेषण समझा, जो नाउन के गुण के बारे में बताता है, नाउन का हमें गुण बताता है, हमें क्वालिटी बताता है। अभी इसके बाद जो होता है वो होता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक भी बहुत ईजी है। ठीक है, देखो संख्यावाचक में संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है कि जो नाउन है, नाउन की जो संख्या आती है ना, जो संख्या, जो नंबर आता है, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अभी ये सारे टाइप जो होते हैं, ये टाइप समझने के लिए हमें क्या समझना बहुत जरूरी होता है, विशेषण, विशेषण का कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आ गया तो टाइप्स को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज विशेषण यू नो वेरी वेल। और अगर विशेषण समझ में आ गया तो टाइप्स तो इजीली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग ने विशेषण का तो कॉन्सेप्ट देख लिया कि विशेषण क्या होता है, कि नाउन के बारे में जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, द वर्ड विच डिस्क्राइब्स द नाउन, दैट्स इट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। तो वैसे ही संख्यावाचक विशेषण में होता है, जो नाउन के नंबर्स को डिसाइड करता है, जो नाउन के नंबर्स को बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संख्यावाचक। वही गुणवाचक, गुणवाचक में क्या होता है कि जो नाउन के क्वालिटी को बताता है, जो नाउन के गुण को बताता है, तो उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। और वही संख्यावाचक कि जो नाउन के नंबर्स को बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं बोलूं कि कक्षा में
कक्षा में 10 लड़के हैं, ठीक है, कक्षा में 10 लड़के हैं। नाउ यहां पे अभी हमें क्या देखना है, सबसे पहले ऐसे ऐसे जब कोई सेंटेंस आता है ना एग्जाम में तो घबराना नहीं है, ठीक है, काफी एकदम ऐसे चिल में रहना है, एकदम बिंदास रहना है, कोई ऐसा टेंशन नहीं होता। हमेशा एग्जाम्पल कुछ भी हो जो ग्रामेटिकल रूल्स है उसके अलावा कोई भी एग्जाम्पल्स आपको एग्जाम में किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, जो ग्रामेटिकल रूल्स है उसी के हिसाब से, अगर रूल्स पता है तो सेंस लगेगा और सेंस लगा तो आंसर्स ऑटोमेटिक मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐसे जब सेंटेंस आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं तो हमें एक ही चीज आइडेंटिफाई करनी है, सबसे पहले नाउन निकालना, ठीक है, तो सेंटेंस में पहले नाउन निकालो। तो विशेषण सॉल्व करने के लिए सबसे पहले नाउन का आना बहुत जरूरी है। तो यहां पे नाउन क्या है, लड़के, ठीक है, ये हमारा क्या है, नाउन है, ये हमारी संज्ञा है, समझा। अभी ये लड़के हो गया, अभी संख्यावाचक में क्या देखना है, नाउन तो मिल गया, नाउन की संख्या कितनी है, संख्या तो मिल गई ना भाई, यहीं पे तो लिखी है हम लोग ने, संख्या कितनी है, 10, 10 संख्या है, ठीक है, यानी कि नाउन का जो नंबर है वो क्या बन गया, संख्यावाचक विशेषण। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, नाउन का जो नंबर है वो हमारा क्या बन गया, संख्यावाचक विशेषण, बिकॉज नाउन के संख्या के बारे में हमें यहां पे पता चल गया, हमें क्या पता चला, नाउन के संख्या के बारे में हमें इस टाइप में पता चला, इसलिए ये हमारा बन गया संख्यावाचक विशेषण। अगेन आई एम सेइंग डोंट फोकस ऑन माय हैंडराइटिंग, ओके, संख्यावाचक विशेषण। कैसे भी फॉर्म में लिखी जाती है वो, ठीक है, तो ये हो गया संख्यावाचक विशेषण, नाउन समझा, ये नंबर आ गया तो इसके लिए संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। अभी यहां पे क्लियर हुआ कि संख्यावाचक विशेषण क्या है। अभी हमें देखना है कि संख्यावाचक में दो और टाइप्स होते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं निश्चित संख्यावाचक एंड अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। सो अभी हम लोग वो टाइप्स को देखते हैं। तो अभी हम देखते हैं निश्चित सर्वनाम एंड अनिश्चित वाचक सर्वनाम, ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक में देखो क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि हमें नंबर्स का पता होता है, हमें एग्जैक्ट नंबर्स का पता होता है कि एग्जैक्टली कितने नंबर्स है, यानी कि जैसे हमें संख्यावाचक का डिफरेंट क्या पता था कि संख्यावाचक मतलब क्या होता है कि जो हमें नाउन के बारे में संख्या बताता है, ठीक है, नाउन की संख्या को बताता है। तो निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि वो प्रॉपर एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर होता है। निश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हो गया 5, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर हो लेकिन वो एग्जैक्ट होता है, वो इधर से उधर बिल्कुल नहीं होता, एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर होता है, उसे हम लोग कहते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसा मैंने पहले एग्जांपल लिया था, देखो कक्षा में 10 लड़के हैं, ठीक है, जैसे कि थैली में 12 फल है, थैली में 12 फल है, तो फल क्या हो गया, नाउन हो गया, लेकिन कितने फल है भाई, मेरे पास कितने फल है, 12 फल है, ठीक है, तो वो 12 क्या हो गया, वहां पे नंबर हो गया, वो क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, लेकिन क्या, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स और एक्यूरेट नंबर के बारे में हमें वहां पे पता चलता है। तो ये हो गया निश्चित सर्वनाम, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, ये हो गया निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी इसी के साथ आता है अनिश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक,
अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी जैसे निश्चित में हम लोगों को पता है कि एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, एक्यूरेट नंबर होते हैं, ठीक है, तो अनिश्चित में क्या होता है कि अनिश्चित में इनएक्यूरेट होता है, हमें कोई भी नंबर्स के बारे में पता नहीं होता कि एग्जैक्टली क्या है, क्या है, कितना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं कि थैली में कुछ थैली में कुछ फल हैं, ठीक है, अभी यहां पे जब मैंने वर्ड लिखा कुछ, अभी तुम लोग बता पाओगे क्या नंबर्स क्या है? तुम लोग क्या? मैं खुद भी नहीं बता पाऊंगा नंबर्स कितने हैं। कुछ बोला है ना मैंने, तो मुझे पता ही नहीं नंबर्स कितने हैं, तो वो कुछ क्या हो गया? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, सॉरी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया, ठीक है, वो हो गया अनिश्चित वाचक, सॉरी इट इज कॉल्ड अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो उसमें वर्ड कौन कौन से आते हैं? कुछ, कितने, उतने, इतने, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है, दैट्स इट। यहां पे अभी समझा, अगेन ये क्या बता रहा है? नाउन बता रहा है, फल है, फल नाउन है, नाउन के बारे में ये हमें नंबर्स बता रहे हैं, लेकिन ये इनएक्यूरेट नंबर्स, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर्स नहीं है, तो इसके लिए ये क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अभी ये संख्यावाचक समझ में आप लोग को कि संख्यावाचक समझ में आया कि उसमें भी दो टाइप्स होते हैं, निश्चित संख्यावाचक एंड अनिश्चित संख्यावाचक। अभी वैसे ही और एक टाइप होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कि परिमाणवाचक, ठीक है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण जो होता है, ठीक है, तो इसको लिखना क्या पता है? परिमाण लिखना है, लेकिन काफी बहुत ज्यादा होशियार लोग होते हैं, ठीक है, तो वो लोग इसको क्या लिखते हैं? परिणाम लिखते हैं इसको, वो लोग ऐसे लिखते हैं परिणाम। परिणाम मतलब क्या होता है? इफेक्ट। और परिमाण मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है मात्रा, ठीक है, इसका अर्थ होता है मात्रा, और इसका अर्थ क्या होता है? परिणाम। परिणाम यानी कि इफेक्ट, इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इफेक्ट, ठीक है। तो कोई कोई लोग ये वर्ड को लिखते हैं, तो हमें इसे नहीं लिखना है, ठीक है, हमें किसे लिखना है? इस वाले को लिखना है, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अभी परिमाणवाचक जो है, परिमाणवाचक में क्या लगता है, ठीक है, परिमाणवाचक में किसी नंबर के साथ जो यूनिट लगता है, ठीक है, किसी नंबर के साथ जो एक्स्ट्रा यूनिट लगता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, और मात्रा वितरण जो बताता है कि इतना मेजरमेंट है, ये है, वो है, सिंपल सा याद रखना है कि यूनिट, इसमें यूनिट जब लगते हैं, जैसे कि देखो किलो, ये सारे यूनिट्स हो गए, ठीक है, किलोग्राम, मीटर, किलोमीटर, लीटर, ठीक है, देन आता है मिलीलीटर वगैरह वगैरह, वो सारी चीजें आ जाती है। तो ये ऐसे जिसमें यूनिट्स लगते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण। इज इट क्लियर? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। अभी इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, तो वो दो टाइप्स को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो होते हैं निश्चित परिमाणवाचक विशेषण एंड अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। तो निश्चित में क्या आता है? अगेन वही जो हम लोग ने संख्या के लिए फंडा यूज किया था संख्यावाचक विशेषण के लिए, वही यहाँ पे भी आता है। यहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक में हमें एक नंबर्स मिल जाते हैं कि वो आ गए निश्चित में, और अनिश्चित में हमें कुछ एक्यूरेट नहीं मिलता, कुछ एग्जैक्ट नहीं मिलता, ठीक है, जैसे कुछ लीटर, ठीक है, कितना लीटर, तो ये जो सारी चीजें होती है वो इसमें आती है, परिमाणवाचक में, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आते हैं, ठीक है, तो दैट्स इट।
हमें सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। संख्यावाचक में आया तो नंबर्स आते हैं, परिमाणवाचक में आया तो मेन होता है यूनिट्स, यूनिट्स आ गया तो परिमाणवाचक विशेषण हो गया, दैट्स इट। ठीक है, गुणवाचक में आता है क्वालिटी आती है, क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन के बारे में हमें क्वालिटी मिल जाती है, और यहाँ पे क्या मिल जाता है, यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, यूनिट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये परिमाणवाचक में हो गया। अभी लास्ट वाला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमेशा काफ़ी लोग कन्फ्यूज होते हैं, सो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं ज़्यादा जो फोकस है उसके ऊपर करूँ। ठीक है, जो लास्ट वाला टाइप है वो होता है सार्वनामिक विशेषण। इसे क्या कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण। अभी हमें सर्वनाम मतलब पता है, सर्वनाम इट इज प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का भी वीडियो मैंने अपलोड किया, तो प्रोनाउन को और डीपली समझना है तो वहां पे जाके आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली प्रोनाउन क्या होता है, द वर्ड विच रिप्लेस द नाउन, दैट्स इट। प्रोनाउन का मतलब होता है द वर्ड विच रिप्लेसेस द नाउन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या होता है, ठीक है, सार्वनामिक विशेषण मतलब क्या कि यहां पे सर्वनाम लगता है, यहां पे क्या लगता है, सर्वनाम लगता है, यानी कि यहां पे नाउन नहीं लगता। जैसे देखो अभी यहां पे मैं लिखता हूं यह मेरा, कैसे कैसे होता है ना, वो एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं, यह मेरा घर है। ठीक है, अभी ये सार्वनामिक विशेषण कैसे हुआ, एक सिंपल लॉजिक, कोई भी विशेषण सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कोई भी सेंटेंस में से नाउन। एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा रूल है, यही ध्यान में रखो, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है नाउन। ठीक है, तो ये नाउन मिल गया हमें घर। भाई घर तो है, किसका है, दैट इज माई, मेरा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण, यानी कि मेरे नाम की जगह इसने ले ली। घर नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब किसने किया, इस वर्ड ने किया। ठीक है, यहाँ पे लिख के रखता हूँ, डिस्क्राइब जो है वो इस वर्ड ने किया, तो इसके लिए ये क्या बन गया, सार्वनामिक विशेषण। इसके लिए इसे हम क्या कहेंगे, सार्वनामिक विशेषण। आई होप सो ये आप लोगों को समझ गया होगा कि एग्जैक्टली अभी क्या होता है सार्वनामिक विशेषण और विशेषण के किस प्रकार के टाइप होते हैं। ठीक है, काफ़ी ईजी है, टाइप्स को हमें लॉजिक को ध्यान में रखना है, हमें सेंस को ध्यान में रखना है, हमें कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है सॉल्व करते समय। सबसे पहला फंडा होता है, सबसे पहला रूल होता है कि कोई भी सेंटेंस दिया जाए उसमें से नाउन को आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसका रिलेशन देखो विशेषण के साथ, उसकी विशेषता के साथ, तो आप लोगों को विशेषण का आंसर मिल जाएगा, विशेषण का कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा वहीं पे। तो विशेषण में टाइप्स कौन से होते हैं, गुणवाचक विशेषण हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया, परिमाणवाचक विशेषण हो गया और सार्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, तो गुणवाचक में क्या होता है, क्वालिटी ऑफ नाउन, नाउन की जो क्वालिटी होती है वो गुणवाचक में दिखती है। फिर संख्यावाचक में हमें क्या दिखता है, नंबर्स, नाउन के जो नंबर्स होते हैं वो संख्यावाचक विशेषण में दिखते हैं। और उसके बाद हमें सार्वनामिक में क्या दिखता है कि यूनिट्स दिखते हैं। ठीक है, तो वो हो गया वहां पे, और परिमाण में हमें यूनिट्स दिखते हैं, और सार्वनामिक विशेषण जो होता है वहां पे हमें प्रोनाउंस निकालने पड़ते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट, इतना ही था। तो आप लोगों ये काफी अच्छे से समझ गया होगा, और अगर आप लोगों को इसमें कुछ डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आप लोगों को नोट्स वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, सो हम लोग वापस मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।